नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल चैनल में। दोस्तों आज आप सीखेंगे इस चैनल के माध्यम से पंखे का रेगुलेटर कैसे लगाते हैं। दोस्तों पंखे और स्विच का रेगुलेटर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो और अच्छा लगे लाइक करिएगा। देखो दोस्तों, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है आप देखिए इसमें, तो ये जो रेगुलेटर है हम इसका कनेक्शन इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये जो स्विच है स्विच के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद में रेगुलेटर का कनेक्शन करके बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये पंखा है और ये स्विच है। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैं रेगुलेटर के बारे में बताऊँगा। ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है और ये लाइन है। ठीक है दोस्तों, लाइन को मैंने इसमें एक कनेक्ट कर दिया स्विच में, और दूसरे सिरे को हम दूसरा जो स्विच का कनेक्टर है उससे उठाकर मैं वायर पंखे का जो वायर है उसमें लगा दूंगा। न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट दे रखा है, और फिर हम इसके माध्यम से देंगे स्विच के माध्यम से जो हमारा स्विच ऑन ऑफ करने का काम करेगा। तो देखिए, ठीक है दोस्तों, मैं इसको ऑन करूँगा तो पंखा मेरा ऑन हो जाएगा, और ऑफ करूँगा तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखो न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट लगा रखा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ रेगुलेटर के हिसाब से। रेगुलेटर की जो रेगुलेटर दिख रहा है आपको, इसमें दो वायर होते हैं, जो रेगुलेटर का जो दोनों वायर है हम इसको कैसे कनेक्ट करें दोस्तों, उसी हिसाब से देखते रहिए। ये फैन है, फैन को न्यूट्रल का वायर में डायरेक्ट कर लगा रखा है, जो लाइन ये कनेक्ट कर दिया हूँ ये इसमें कर दूंगा। जो दूसरा वायर है जो पंखे का जो दूसरा फेस का वायर है उससे कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये जो रेगुलेटर है इसको ऐसे ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे पंखे जब ऑन रेगुलेटर को हम घुमाएंगे तो ये ऑन ऑफ स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।